स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनअकैडमी शिक्षा पर, जहां पर होने वाला है प्रश्नों का महाकुंभ। और इस प्रश्नों के महाकुंभ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार से फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी क्लास को ज्वाइन कर लें। और ये बताइए, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुँच रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुँच रही है? एक बार से ये बताइए, सभी लोग बताइए। गुड इवनिंग, हेलो रमा शुक्ला, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। एक बार से सेशन को फटाफट से शेयर कर दो ताकि और लोग भी क्लास को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर होने वाला है प्रश्नों का महाकुंभ, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के सारे ही क्वेश्चन मिलते हैं और उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। उम्मीद है आप सभी को वो चीजें समझ में आती होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप सभी कॉमेंट बॉक्स में, अगर बाद में वीडियो देखते हैं या फिर यहीं पर, आप सभी पूछ सकते हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर? एक बार से ये बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नमस्ते लकी सिद्दीकी, गुड इवनिंग अमर उपाध्याय, रमा शुक्ला। एक बार से सभी सेशन को शेयर कर दो ताकि और लोग भी क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, फटाफट से एक बार से, अगर पहली बार आप ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए इसे। क्या मेरी वॉइस क्लियर? एक बार से ये बताओ सभी। तो फिर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। T20 अनअकैडमी पर हो रहा है T20 टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसमें आपको सीटेट और रीड के 12 बजे टेस्ट मिलते हैं। यूपी टेट DSSSB शाम को 6 बजे ये टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पर ये सभी चीजें आपको बिल्कुल प्लस पर भी मिलती हैं, फ्री में भी मिलती है कुछ चीजें। ठीक है, गुड इवनिंग डॉली, सभी का स्वागत है। माय नेम इज सारिका द्विवेदी और मेरी टेट कैटेगरी में सभी क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं। आपको प्लस क्लासेस भी मिलेंगी आगे चल के। पहले तो प्लस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस के कुछ फीचर्स देखेंगे। प्लस पर आपको घर बैठे सारी क्लासेस मिलती हैं, सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे टीचर। सिलेबस यहाँ पर होता है पूरा कंप्लीट, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, PDF फॉर्मेट में नोट्स, आंसर राइटिंग सेशन और गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। एक बार से सेशन को फटाफट से शेयर कर दो। 23 मार्च से आपका ये वाला बैच स्टार्ट हो चुका है, 23 मार्च से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो एक बार से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि यूपी टेट की एक कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, करना क्या होगा आपको, मेरा ये रेफरल कोड सारिका लाइव यूज करना होगा, 10% का डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप उस यहाँ पर टिक कर सकते हो। गुड इवनिंग दीपिका, हेलो प्रीति, गुड इवनिंग। जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, यहाँ पर आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो और प्रोसीड टू पे करने के बाद में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या मेरी वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार से थम्स अप कर दो सभी। वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार से थम्स अप कर दो ताकि आगे कंटिन्यू किया जाए। उसके पहले एक बार से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। एक बार से सेशन को फटाफट से शेयर कर दो सभी, शेयर कर दो एक बार से जल्दी जल्दी से, सेशन को शेयर कर दो तुरंत तुरंत से। ठीक है, सेशन को क्या करना है, शेयर कर दो। देखेंगे पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा है, विजिबल है क्वेश्चन? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां, परियोजना कहां पर निर्मित की गई है, कहां पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना घाघरा, बेतवा, सोम नदी या फिर चंबल नदी, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? जो भी बी आंसर बता रहे हैं सभी का बिल्कुल सही है। जो सब्सक्रिप्शन चाहेंगे आपको यहाँ पर कोड नजर आ रहा होगा, यहाँ से कोड ले इसे यूज करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी बी आंसर बता रहे हैं, बेतवा नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही। प्रदीप कुमार, रमा शुक्ला, भारती, संगीत, सुचिता, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है, ये देखेंगे। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना बेतवा, कहां पर स्थित है ये बेतवा, कहां पर स्थित है ये? ठीक है, झांसी जिले के पास में, झांसी जिले के पास में बेतवा नदी पर क्या बनाया गया है? माता टीला डैम बनाया गया है।
माता टीला बांध बनाया गया है, ये देख सकते हैं कौन सी नदी पर। माता टीला डैम बनाया गया है जो कि झांसी के पास में बेतवा नदी पर बनाया गया है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जो जो भी टाइम पर है, एक बार से सेशन को फटाफट से शेयर कर दो भाई, एक बार से फटाफट से सेशन को शेयर कर दो ताकि और लोग भी क्लास को ज्वाइन कर लें। ये क्या है, ये सब आगे पीछे हो गया है। 15 मई से आपकी सुपर टेट की क्लासेस चल रही है, ठीक है। 15 मई से आपकी सुपर टेट की कंप्लीट बैच कोर्स चल रहा है, तो इसे एक बार से देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, केवला देव घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है। हेलो योगिशा, डॉली, आलोक कुमार, सभी का स्वागत है क्लास में। ब्लर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? केवला देव घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? अलवर, राजस्थान। सभी टेट की गुड इवनिंग शिल्पी, सभी ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं आपके सभी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी प्रकार के टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ईवीएस सेक्शन है, ठीक है, जीएस सब में इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। केवला देव घाना पक्षी विहार, अलवर, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान, चिगटपेट तमिलनाडु, चिगलपेट तमिलनाडु कहां पर स्थित है। क्वालिटी भी इंक्रीज कर ली फिर भी ब्लर दिख रहा है क्या? किसी को भी नहीं क्लियर है क्या? क्या वीडियो किसी को भी क्लियर नहीं है? क्योंकि यहां से तो सब कुछ सही है, यहां से तो सब कुछ क्लियर है। एक बार से सभी लोग बताओ क्या वीडियो क्लियर नहीं है? और फिर ये ब्लर कैसे हो गई? क्लियर है, सभी तो बोल रहे हैं क्लियर है। क्लियर नहीं है, डॉली के पास भी नहीं, पढ़ने में तो आ रहा है बट क्लियर नहीं है। इधर से तो क्लियर है, नहीं है तो ये कहां से सही होगा? अभी प्रीति के पास में सही है, चलो ठीक है, देख लो एक बार से, क्योंकि यहां से तो सारी सेटिंग सही है, फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। केवला देव घाना पक्षी विहार आपका कहां पर स्थित है? जो भी बी आंसर बता रहे, भरतपुर राजस्थान, केवला देव घाना पक्षी विहार क्लियर, डॉली के पास नहीं क्लियर है और दीपिका के पास में नहीं क्लियर है। भरतपुर राजस्थान में है केवला देव घाना। वैसे तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि घाना पक्षी विहार कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है। केवला देव घाना कहां पर है, राजस्थान में है, लेकिन अगर पूछा जाए राजस्थान में भी कहां पर है तो फिर वो भरतपुर में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे एक बार से। हाँ, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? गुड इवनिंग रंजना, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? उड़ीसा के नंदन कानन, असम के काजीरंगा, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुरी। वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है? एक बार से रोटेट कर लेना, मतलब पूरी स्क्रीन में देखना तो क्वेश्चन नजर आएगा इधर से, क्योंकि सारी चीजें क्लियर है, इधर से तो सब कुछ कवर क्लियर होना है। फिर भी आंसर क्या होगा इसका, ये बताओ एक बार से क्या होगा करेक्ट आंसर। अभी देखा, हाँ वीडियो की क्वालिटी ही बढ़ाओ तो सही हो जाएगा, ठीक है। देखो देखा गया है, सही हो गया है, अब मस्त दिख रहा है, ठीक है ठीक है। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, सुंदरवन को, हेलो स्वप्निल, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। सी वाला आंसर आपका सही है। बाकी पूछा जाए नंदन कानन कहाँ पे है तो उड़ीसा में, काजीरंगा कहाँ, एक सिंह वाले गैंडे के लिए असम में, ठीक है, और बाकी फिर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पे, तो वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। एक बार से फटाफट से सेशन को लाइक शेयर करो, लाइक और शेयर करो, पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करो। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, जितने लोग हो सभी एक बार से सेशन को लाइक कर दो। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, सहयाद्री पहाड़ियां, ग्वालियर पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अर्चना का आया है, वंदना का आया, और भी बताओ, और बताओ जल्दी से। ए आंसर भाई, बहुत बढ़िया, जितने लोग भी ए आंसर कर रहे हैं
जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे। कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए किसे कहा जाता है तो फिर क्या आंसर करेक्ट होगा? दक्षिण भारत की गंगा आपकी कावेरी नदी को कहते हैं। ये देखेंगे ये कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी हमारे भारत में सबसे नीचे कौन सी नदी है जो कि तमिलनाडु तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। तमिलनाडु और केरल के मध्य जो है एक विवादित नदी है जो कि कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट भी लिखे गए हैं। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, ब्रह्मगिरी से निकलती है, पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। भाई एक बार से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, क्लास समझ में आ रही हो क्वेश्चन तो लाइक भी कर दो। ठीक है, कावेरी नदी के डेल्टा पर क्योंकि खेती बहुत अच्छी होती है इस वजह से दोनों राज्यों के मध्य विवाद चलता रहता है, केरल और कर्नाटक में के मध्य में। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाए यहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, पूछा जाए कौन सा जलप्रपात स्थित है तो कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु में होगेनकलल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु में होगेन हो गई नकल से नहीं बोला था कि याद कर लो, हो गई नकल जलप्रपात कावेरी नदी पर जो कि तमिलनाडु में और कर्नाटक में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात आपके कहां पर कर्नाटक राज्य में ही स्थित है और इसी नदी को भारत की गंगा दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो इसे ही इसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, मैं टूर बांध भी यहाँ पे बनाया गया है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, आंसर बताओ भारत किस गोलार्ध में। बहुत आसान क्वेश्चन। गुड इवनिंग कुमकुम, सभी को गुड इवनिंग, सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। क्लास समझ में आ रही हो तो एक बार से सेशन को लाइक कर दो, 5 क्वेश्चन हो गए हैं और शेयर कर दो मैक्सिमम, भाई शेयर कर दो। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है जो कि अगर पूछा जाए इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है तो ये देखेंगे 8 degree 4 minute 37 degree 6 minute, ठीक है, और बाकी 68, ये अपना भारत, ठीक है, ये वाली इक्वेटर वाली लाइन है, ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, इक्वेटर है, ऊपर देखा जाए तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, सबको पता है। ठीक है, और इधर देखे तो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर इधर इधर की बात की जाए और देखा जाए भारत हमारा कहां पर स्थित है, सेंटर से देखेंगे तो हमारा ईस्ट और नॉर्थ के मध्य में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गुड इवनिंग मोहित, फेमस करेंगे ये सब हो जाएगा। चलो ठीक है, सभी आंसर करते जाओ, सब फेमस हो यहाँ पे। ठीक है, अगर पूछा जाए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कहां पर स्थित है तो नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कहां पर स्थित है ये हमारा पश्चिमी उत्तरी में। ठीक है, पश्चिमी उत्तरी में, प्रेजेंट बाई सेंटी प्रेजेंट। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो पूछ भी सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट। ठीक है, चावल का देश क्वेश्चन पूछा गया है, चावल का देश किसे कहा जाता है, चावल का देश किसे कहते हैं, म्यांमार बांग्लादेश भारत थाईलैंड, क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये वाला, चावल का देश किसे कहा जाता है। बिल्कुल एक बार से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर करो भाई। चावल का देश किसे कहा जाता है, म्यांमार बांग्लादेश भारत या फिर थाईलैंड, तो फिर किसे कहा जाता है, चावल का देश थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है, अगर इसी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी से बताओ, भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं। डी वाला आंसर सही है, थाईलैंड को,
चावल का देश थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड कहाँ पर स्थित है तो ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और इसके साइड में ये देखो थाईलैंड है, जिसे चावल का देश कहते हैं, चावल का देश थाईलैंड को। एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है। चावल का देश याद कर लो एक बार से, चावल का देश ये देखो थाईलैंड है, इसे चावल का देश कहते हैं, चावल का देश कहा जाता है। पूछा जाए भारत में चावल का कटोरा, भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? एक है चावल का कटोरा, एक है धान का कटोरा। फटाफट से आंसर बताओ। व्हाइट एलिफेंट भी थाईलैंड में, बिल्कुल सही। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है ये बताओ जल्दी से। एक सेकंड, ये तो चल नहीं रहा है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? उड़ीसा को कहते हैं, चावल का कटोरा उड़ीसा को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन से आपको तीन क्वेश्चन मिल गए। इसी में ही और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में ही आपको और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। और अगर पूछा जाए भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? भारत में चीनी का कटोरा तो फिर उत्तर प्रदेश को कहते हैं। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इतना कवर हुआ हो, मतलब आपको एक क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन से आपको पांच क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले एक बार से सभी सेशन को लाइक और शेयर करो, फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करो। जितने भी लोग हैं ईमानदारी से सभी सेशन को लाइक करो और शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र, भारत की दिशा एवं गति गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, बताओ एक बार से सभी का, देखते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफ्रोस्कोप, हाइड्रोमीटर। क्या हो गया? भारत बादल, बादलों की दिशा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफ्रोस्कोप होता है, ठीक है? नेफ्रोस्कोप सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। स्वप्निल का आंसर सही आ रहा है, मतलब एक भी आंसर नहीं आ रहा है स्वप्निल के। नेफ्रोस्कोप बादलों की दिशा, बहुत बढ़िया। रेन गेज, रेन गेज बताओ, ये तो वर्षा मापी यंत्र होता है, ठीक है? वर्षा मापी यंत्र रेन गेज होता है। एनीमोमीटर किसमें इस्तेमाल करते हैं? पवन के वेग को, कौन सी हवा कितनी तेज चल रही है इसके लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? द्रव के घनत्व को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व को मेजर करने के लिए, रेन गेज वर्षा मापी यंत्र, एनीमोमीटर पवन के वेग को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक बार से सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दो भाई, एक बार से फटाफट से लाइक और शेयर करो। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या फिर नॉर्वे की जलधारा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? सबसे तेज गल्फ स्ट्रीम, ठीक है? सबसे ज्यादा गर्म भी यही होती है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम जल धारा है। ये हम कुछ देखेंगे, कुछ रूल होते हैं, कैसे पता चलता है कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है।
होता क्या है ना कि जैसे मान लो ये हमारा मैप है, ये हमारा ग्लोब है, ये है ध्रुव और ये है इसकी भूमध्य रेखा। जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, वो हमारी ठंडी जलधाराएं होती है, ठीक है। लेकिन जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वो हमारी गर्म जलधारा होती है। गुड इवनिंग नेहा, क्लास आपकी 7 बजे शुरू हुई है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं चल रहा है? क्लास ये बताओ एक बार से, क्लास नहीं चल रही है क्या? सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं? गुड इवनिंग, अपना टाइम आएगा क्या? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर एक बार से बताओ, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बताओ एक बार से, ये देखेंगे यहां पर, देखेंगे कितनी कितनी सारी हमारी गर्म जलधारा, कितनी ठंडी जलधारा है। क्लियर है? अब क्लियर है, चलो ठीक है योगिशा। ये देखो, यहां से नॉर्थ अमेरिका से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इधर से फ्लोरिडा जलधारा, ठीक है, एंटीलिस धारा, ये सब हमारी केनी धारा, ये सारी हमारी कैसी गर्म धाराएं होती हैं? गर्म जल धाराएं होती हैं। कैसी धाराएं हैं? गर्म जल धाराएं हैं ये सब हमारी। क्लियर है? गर्म जल धारा। बात करें बेंगुएला कैसी धारा है, तो ये ठंडी जल धारा है। कनारी कैसी है? ठंडी है। लेब्राडोर, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है या फिर कौन सी गर्म जलधारा है, तो अगर आपको ये तैयार है, और इसकी भी होती है कि कौन सी जलधारा कहां कहां से निकल करके जाती है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9 कहता है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर, लाल सागर को हिंद महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, क्या होगा करेक्ट आंसर? स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? उर्मिला का आंसर ए, योगिशा का आंसर ए, और भी बताओ, और लोग भी बताओ भाई, बहुत कम लोग हो, एक बार से सेशन को शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयर करो ताकि और लोग भी क्लास को ज्वाइन कर ले। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। जितने लोग भी ए आंसर बता रहे हैं, स्वेज सागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर, स्वेज कैनल। ये देखेंगे, ये मैप सभी को नजर आ रहा है, कि नहीं नजर आ रहा है? स्वेज नहर, ये स्वेज कैनल, देखो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है, इनको जोड़ती है ये हमारी स्वेज कैनल, ठीक है, जो कि होती क्या है, ये हमारी अफ्रीका और एशिया को, ये हमारा अफ्रीका है और ये एशिया है, एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य रेखा को, लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है, इनको भी विभाजित करती है और इन दोनों को भी जोड़ती है। कल आपका पूछा गया था पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, सभी जो वीडियो को बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? सभी लोग लाइक और शेयर कर दो। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, बताओ एक बार से। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर से संबंधित है? महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर से संबंधित है ये हमारी। बहुत बढ़िया, रानी सिंह, का आंसर आया है, उर्मिला का आंसर हेमा, अपना टाइम आएगा अनुभा, रमा, भारती, वंदना, बहुत बढ़िया। 10 का ए पैसिफिक ओशियन, बहुत बढ़िया। प्रीति का भी आंसर आ गया, नेहा, रमा शुक्ला, मनीषा, योगिशा, और भी लोग बताओ। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? पैसिफिक ओशियन से, प्रशांत महासागर से। फिगर देखेंगे हम लोग, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा रिंग ऑफ फायर बनाते हैं प्रशांत महासागर में, जो कि स्थित है।
ये सभी यहाँ पर जितने भी प्रकार के ज्वालामुखी है ना, इस वजह से ये रिंग ऑफ फायर बनाते हैं। देख रहे हो ये सब पूरा पैसिफिक ओशियन में, ये पूरा, ये इधर जहां जहां पर भी रेड मार्क दिख रहा है, साउथ अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे, ठीक है, थाईलैंड, ये सब पूरा हमारा क्या बनाते हैं, ये सब रिंग ऑफ फायर बनाते हैं। हमारा सेशन को एक बार से फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, ईमानदारी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। अगर आपको पसंद आ रहे तो, सेशन समझ में आ रहे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एक बार से। बिल्कुल सही नेहा, बफरिंग हुई हो रही है क्या? बफरिंग भी हो रही है, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, लाइव हो 39 और लाइक है केवल और केवल 35। अच्छा अभी तो इक्वल हो गया, चलो मतलब बढ़ाने नहीं है, भाग जाने है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर वेसुवियस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, गुड इवनिंग प्रियांशु। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर वेसुवियस? 11 का सी, किलायू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुमकुम का तो गलत हो गया, अनुभा का भी नहीं है। मैंने लाइक शेयर कर दिया है, बहुत बढ़िया भाई, जिन्होंने भी लाइक और शेयर कर दिया, सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू, शुक्रिया, है ना? सभी लोग ऐसे ही सब कर लिया करो। ये देखो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हमारा किलायू है। सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी है। बाकी कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी, जापान का फ्यूजियामा है, इटली का वेसुवियस, सब इंपॉर्टेंट है यूपीटेट में। ये देख रहे हो ना, ये देखो यही तो होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का उद्गार ऐसे ही तो होता है। पृथ्वी के अंदर का जो भी लावा होता है, जो भी गर्मी होती है, ऐसे ही लावा के फॉर्म में बाहर फट करके निकल आती है। और यही जब लावा सैकड़ों सालों, हजारों सालों तक इकट्ठे से जम जाता है, यही लावा जब किनारे किनारे जम जाता है, वो आग्नेय शैल हमारी बना लेती है। आग्नेय शैल को ही परावर्तित करके हम लोग अवसादी शैले बना लेते हैं, सॉरी रूपांतरित शैले बनाते हैं, ठीक है। रूपांतरित शैलों का निर्माण किससे होता है? आग्नेय और अवसादी को कन्वर्ट करके ही तो होता है। अगर पूछा जाए आग्नेय, ये जो है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। जैसे कि जापान का फ्यूजियामा कैसा होता है? शांत ज्वालामुखी होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान हमारी कौन सी है? अनुभव की फर्स्ट क्लास है भाई, बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर कर दो एक बार से। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला या फिर चूना पत्थर? रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है इसमें, ये बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक इज? नीस, ग्रेनाइट, कोल या फिर लाइमस्टोन? जल्दी इसे बताना है। गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग, एक बार से बताओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा? ए वाले जितने भी है, नीस हमारी, नीस किसको कन्वर्ट करके बनती है? नीस किसको कन्वर्ट करके बनती है? नीस किसको कन्वर्ट करके बनती है? तो ये ग्रेफाइट को कन्वर्ट करके नीस बनाई जाती है, ठीक है, ग्रेफाइट को कन्वर्ट करके नीस बनाई जाती है। ऐसे ही चूना पत्थर को कन्वर्ट करके संगमरमर, तो सब जानते होगे ना, संगमरमर तो सब जानते होगे। चूना पत्थर को ही कन्वर्ट करके संगमरमर बनाई जाती है। कन्वर्ट कैसे करते हैं? उच्च दाब और ताप पर के प्रेशर उस पे ज्यादा दिया जाता है, जिससे कि वो बदल जाती है संगमरमर में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले वाले क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीस, ए वाला आंसर सही है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किलोमीटर। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइव जो है मैक्सिमम अबव 50 होने चाहिए आपके, जो ये लाइव होते हैं ना लाइव, ये अबव 50 होने चाहिए, इतना शेयर कर दो सभी लोग। दो अक्षांशों बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, ठीक
ठीक है, बाकी और देखेंगे अक्षांशों की। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। अरे किलोमीटर होती है, किलोग्राम कौन लिख रहा है? अरे इनका वेट थोड़ी होता है, केजी कहां से लिख रहे हो सब? केजी नहीं, किलोमीटर है। अच्छा उस पे तो नहीं लिखा है, हाँ किलोमीटर ही तो लिखा है। महात्मा गांधी के अलावा किसी दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है, वो कौन से नेता हैं जरा ये बताओ। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल बहादुर शास्त्री, कौन करेक्ट आंसर बताएगा? महात्मा गांधी के अलावा किसी दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है। उर्मिला का आंसर सही आया है। 3 मंथ की फीस आपकी, हाँ 2250 रुपए। कुमकुम बिल्कुल सही, 3 मंथ की नहीं है ये, 6 मंथ की 2250। एक बार से देख लेना, जाकर के चेक कर लेना, एक बार से जाकर के चेक कर लेना, उसमें मेरा ये वाला कोड अप्लाई कर देना। 2500 समथिंग आई थिंक 6 मंथ की है, और हो सकता है 3 मंथ की 2200 हो। एक बार से जाकर के देख लेना, वहां पर कोड अप्लाई कर लेना, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। महात्मा गांधी के अलावा किसी दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, क्या होगा करेक्ट आंसर एक बार से ये बताओ। डी वाला, लाल बहादुर शास्त्री। कब हुई थी इनकी तिथि तो ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। सेम डेट है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखा जाए, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु भाई बताओ, इसे देखते हैं कौन कौन बताएगा। नीलगिरी ताहर, फिशिंग कैट, हिम तेंदुआ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। निधि यादव की फर्स्ट क्लास है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर। शशि का आंसर आ गया, और भी बताओ, और लोग भी बताओ, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताओ, क्या होगी ये, क्या नजर आ रहा है सभी को? पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है ना, पश्चिम बंगाल का है, जल्दी जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग कैट, ठीक है, फिशिंग कैट हो जाएगा, ठीक है, फिशिंग कैट हो जाएगा। देखो एक बार से, बी वाला आंसर, पश्चिम बंगाल का फिशिंग कैट, ये देख रहे हो ना, पता ही चल गया होगा। करना क्या है, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करो, एक बार से फटाफट से लाइक और शेयर कर दो भाई, फटाफट से एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करो, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने वाला देश, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस किस देश ने उत्सर्जित किया है? ठीक है, चीन, अमेरिका, नीदरलैंड या फिर पाकिस्तान। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने वाला देश हमारा चीन, अमेरिका, नीदरलैंड या फिर पाकिस्तान। अरे कहां पर, अमेरिका में कहां चले गए, अमेरिका में कहां चले गए? ये ए फॉर अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये सी फॉर चीन वाले हैं ये, ठीक है, चीन है पहला वाला। सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्सर्जित करने वाले देश चीन है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला के रखा है उन्होंने, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी, अभी कल ये वाला क्वेश्चन करवाया था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर, कल हो चुकी है चीजें। जिन्होंने भी अभी तक पुरानी क्लासेस नहीं देखी वो देख लेना, आज आपका क्लास नंबर 8 है, इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, ठीक है, तो देख लेना। दून घाटी कहां पर पाई जाती है? दून घाटी जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। जोसेफ फोरियर, बहुत बढ़िया, जोसेफ फोरियर की ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। दून घाटी कहां पर पाई जाती है? दीपिका का आंसर आ गया, और भी बताओ, और लोग भी बताओ। ये जो लाइव है ना, ये 50 अबव होनी चाहिए, पूरे टाइम 50 अबव होनी चाहिए, अब जाकर के बीच बीच में सो सो के आधे लोग आ जाते हैं। दून घाटी कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दून घाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सब में सब जगह पर पूछा जाता है, सभी जगह पूछा जाता है। दून घाटी उत्तराखंड, याद कर लो एक बार से, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल, रमा अपना टाइम आएगा, वंदना, शिल्पी, रंजना, हेमा, भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया से आंसर लगा रहे हो। अच्छा पूछा, पुराने वाले का आंसर लगा रहे हो, किसका आंसर लगा रहे हो? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? आधे बता रहे हैं डी, आधे बता रहे हैं बी, आधे बता रहे हैं सी। कोई चेंज मत करना जब हम आंसर बताएंगे तो। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले या करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इसके अलावा भी और भी नाम आता है, किसका नाम आता है? रूस निवासी महिला मैडम हेलिना ब्लावत्स्की, इंपॉर्टेंट नाम, इंपॉर्टेंट नाम। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ। ये वाला नाम याद रखना है, हेलिना ब्लावत्स्की, और अमेरिका निवासी कर्नल स्टील अलकाट ने। ठीक है, बाकी फिर इसमें उनका भी नाम आता है, एनी बेसेंट का भी नाम आता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि ऑप्शन हमारे पास ऐसे हैं इसलिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो मुख्यतः हम लोग हेलिना ब्लावत्स्की लगाते हैं, ये वाला भी आंसर सही होता है। स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। सेशन को लाइक तो कर दो, सभी ईमानदारी से सेशन को लाइक कर दो, भाई बहुत मेहनत लगता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, और जब सेशन एंड हो जाए तो सभी फीडबैक भी जरूर से दिया करो। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री, आजादी से पहले। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो 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 आगे चलेंगे, आगे चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। वॉइस प्रेसिडेंट थे पहले, और क्या, राधा कृष्णन तो पहले वॉइस प्रेसिडेंट थे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस्पात मतलब जानते हो स्टील प्लांट, वेयर इज दुर्गापुर स्टील प्लांट लोकेटेड? जल्दी से बताओ, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड। भाई इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? जल्दी से स्पीड में आंसर, सी वाले बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल, सी। जितने भी बता रहे हो सब सही, बी कहां से हो जाएगा रमा, दुर्गापुर पूछा गया है ना। 20 क्वेश्चन हो गए डॉली, डॉली हाँ 20 क्वेश्चन हो गए। जिन्होंने भी नहीं देखा है बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना। इसके अलावा आप जिन्होंने भी अभी तक मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लास होती है वहां से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चल रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये उस पे जाने से पहले एक बार से मैप देख लो, कौन कौन सा हमारा स्टील प्लांट कहां पर स्थित है। ये देखो, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। ठीक है, ये सब हमारे स्टील प्लांट ही है। भिलाई, भिलाई विद्युत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर नजर आ रहा हो तो। विजयनगर, ठीक है विजयनगर, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। वो सबसे ज्यादा राउरकेला आंध्र प्रदेश में जो कि स्थित है हमारा, राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, ये दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, सब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। सेशन को करना क्या होता है? सेशन को लाइक करना होता है। जब सामने से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो अपने आप से कहने की जरूरत नहीं होती है, सेशन को लाइक करना होता है और शेयर करना होता है ताकि सभी तक पहुंच जाए ये सारी चीजें। ठीक है, सभी तक ये सारी चीजें पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 21,
मेटाक्स टेस्ट, जैसे आपने विडल टेस्ट पढ़े होंगे, एलिसा टेस्ट पढ़े होंगे, ये सारे टेस्ट पढ़े होंगे ना, अभी ऐसे बताने मेटाक्स टेस्ट किससे संबंधित है। अब सारी वही चीजें थोड़ी पूछी जाएंगी, मेटाक्स टेस्ट किससे संबंधित है, क्या नहीं क्लियर है शिल्पी ये बताओ। अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, चलो ऐसे भेज देंगे। टाइफाइड, तपेदिक, एड्स या फिर कैंसर, मेटाक्स टेस्ट किससे संबंधित है, मेटाक्स, टाइफाइड, तपेदिक, एड्स या फिर कैंसर। कुछ नहीं दिख रहा है, बस सुन पा रहे हैं आपको। विडाल टेस्ट टाइफाइड से, एलिसा एड्स से, बहुत बढ़िया, मतलब बोलते ही आंसर तैयार। ये आपका ट्यूबरकुलोसिस मेटाक्स टेस्ट तपेदिक से संबंधित होता है, जब किसी को तपेदिक हो जाता है तो उसके लिए मेटाक्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, बी वाला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। आंसर लगाते चलो, आंसर लगाते चलो, सेशन को शेयर भी करते चलो। विश्व गौरैया दिवस, भाई बी है कि ए है आंसर, पहले कंफर्म तो कर लो। रंजना तोमर बी बता रही है, दीपिका ए बता रही है, कुमकुम ए बता रही है, अपना टाइम आएगा 2 मार्च, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ये 2 मार्च बता रहे हैं। और बताओ, और देखते कौन कौन लास्ट में चेंज करेगा अपने आंसर। कुमकुम ने भी तो ए ही बता दिया, भारती का ए, दीपिका नॉट श्योर, मनीषा ए, रंजना ए, देखते हैं कौन बिल्कुल सही। भाई ए वाले तो बिल्कुल सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, ये देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फेमस पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर ने की थी इसी सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2008 में टाइम मैगजीन में हीरोज ऑफ एनवायरनमेंट में इसे शामिल किया गया था। 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसे हर बार हर साल में 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया जिन्होंने नहीं देखी हो तो वो यहाँ देख लो, क्योंकि इतना प्रदूषण है, इतना ज्यादा हो चुका है कि बहुत सारे लोगों ने गौरैया नहीं देखी होगी, तो देख लो भाई, फिगर विगर भी देख लो, ताकि ये हो जाए कि हाँ हम लोग गौरैया भी देखें। चलो अगला क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन नंबर, विली विली चक्रवात का स्थानीय नाम क्या है। विली विली चक्रवात, चक्रवात तो सुने होंगे ना, चक्रवात तो सबने सुना होगा, देखो कितना खतरनाक चक्रवात आया था 22 मार्च को, वर्ल्ड वाटर डे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। विली विली चक्रवात का स्थानीय नाम, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, विली विली चक्रवात, विली विली चक्रवात का स्थानीय नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, विली विली चक्रवात ये स्थित कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। अगला देखो, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाते हैं, बताओ जल्दी से। विश्व हाथ धुलाई दिवस 19 नवंबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 17 नवंबर। विश्व हैंड वॉशिंग डे, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ। ये सारे क्वेश्चन शौचालय दिवस पूछा गया था, तो अब ये हैंड वॉश वाला भी सिस्टम चल रहा है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस, 15 अक्टूबर ये विश्व शौचालय दिवस, 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस, 15 अक्टूबर याद रखना इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर विश्व हाथ धुलाई दिवस, अक्टूबर में गांधी जी की जयंती वाले महीने में ही, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कुकी जनजाति कहां पर पाई जाती है, कुकी जनजाति कहां पर पाई जाती है। सेशन को एक बार से लाइक कर दो भाई। मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, कुकी जनजाति मणिपुर, कुकी जनजाति कहां पर पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। अच्छा,
कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। भाई बहुत बढ़िया आंसर लगा रहे हो, कुकी जनजाति मणिपुर में। बाकी ये तो बता ही चुके कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति भील। ठीक है, ये देखो सेशन को क्या करना होता है, लाइक करना होता है, सेशन को लाइक करना होता है। 49 है, जल्दी जल्दी से तो इसे संख्या को बढ़ा दो, संख्या को बढ़ानी है, ये सब आपके ही हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25, 26, 71, 24। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? कुमकुम वर्मा का आंसर बिल्कुल सही, कुमकुम का आंसर बिल्कुल सही। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं, 25 उच्च न्यायालय, ए वाला आंसर बिल्कुल सही। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वाला एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब ईवीएस के आज जितने भी अभी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, सारी ईवीएस के क्वेश्चन हो रहे हैं, सभी ईवीएस के क्वेश्चन हो रहे हैं। बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? जैसे कि हॉकी के जादूगर पूछा जाता है। बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है, शतरंज से है, एथलेटिक से है, या फिर कुश्ती से है? बुला चौधरी, भाई बहुत बढ़िया, लेजी बॉय का भी आंसर, दीपिका, योगेश्वर, डॉली, शिल्पी, और भी बताओ पर करने वाली है ना। हाँ हाँ, तैराकी से संबंधित है बुला चौधरी, ए वाला आंसर बिल्कुल सही, ए आंसर बिल्कुल सही, बुला चौधरी तैराकी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब इससे आसान अब क्वेश्चन क्या ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसका मूल उद्भव भारत में नहीं हुआ है? बहुत ज्यादा आसान, मतलब इससे आसान क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता है, फिर भी ये एग्जाम में पूछा गया है। किसका उद्भव, मूल उद्भव भारत में नहीं है? आम, केला, नारियल, स्ट्रॉबेरी। किसका उद्भव भारत में नहीं है? आम, केला, नारियल, स्ट्रॉबेरी। करेक्ट आंसर आपका स्ट्रॉबेरी है भाई, डी वाले आंसर बिल्कुल सही, डी जिनके जिनके आंसर है बिल्कुल सही है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी नहीं भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे एक बार से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवताधिकार सुनिश्चित करता है? सार्वभौमिक मानवताधिकार, आर्टिकल 10, 15, 20, 25। सार्वभौमिक मानवताधिकार, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, कौन सा आर्टिकल है? अच्छा चलो, इन्होंने तो स्ट्रॉबेरी भेज दी है भाई, पर ये हमारे यहाँ के थोड़ी है। सभी लोग लाइक कर दो एक बार से भाई, देखो योगिशा भी कुछ कह रही है, योगिशा की भी सुना करो। अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित कौन करेगा? आर्टिकल 15 में हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया, बी वाला आंसर बिल्कुल सही, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, जितने लोग भी बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30, सब आपको एक बार दो बार पढ़ोगे, इनको पढ़ोगे तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिनको आप पढ़ने से ही सारी चीजें कवर होती हैं। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, डेली शाम को 7 बजे लाइव रहना है। उसके बाद क्योंकि आपको भी पता है कि जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तो बहुत ज्यादा नहीं मजा आती है देखने में। हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कर दिए लाइक भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को लाइक करना है सभी को। हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? पीला रंग, जैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीन, इनमें से कोई नहीं। हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है? हल्दी का पीला रंग, इंसान को पीला रंग हो जाए तो वो डॉक्टर के पास भागने लगता है, पर हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण, भाई बहुत बढ़िया, ए वाला आंसर जितने लोग भी लगा रहे हो, जैंथोफिल के कारण। और सब क्लोरोफिल तो सभी पता है ना, पत्तियों का हरा रंग। करना क्या है सभी को, ये बढ़िया बढ़िया सा दिख रहा है ना, सुंदर सुंदर सा लाइक करना है, मतलब जितने बार बोलेंगे तभी लाइक करोगे, अपने आप से करना ही नहीं है कि आते ही पहले लाइक कर दिया करो,
ठीक है, जो बाद में वीडियो देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया। अच्छा भैया, इनको तो मजा आ रहा है। माघी पूर्णिमा किस राज्य का त्योहार है, ये भी पूछा जाता है, कौन किस राज्य से संबंधित है। माघी पूर्णिमा पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। माघी पूर्णिमा किस राज्य से संबंधित है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु। आंसर जल्दी जल्दी से देखते हैं कौन कितनी फास्ट आंसर करेगा। अगर पूछा जाए माघ मेला कहां पर लगता है, माघ मेला कहां पर लगता है, तो आंसर बताओ माघ पूर्णिमा त्योहार आपका छत्तीसगढ़ में, सी वाला आंसर बिल्कुल सही। और माघ मेला कहां पर लगता है, माघ मेला आपका लगता है कहां पर लगता है, ये तो लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला लगता है। माघ पूर्णिमा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हेलो मीनू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। सभी क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर 32 नैना देवी मेला आपके एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन। एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन, नैना देवी मेला कहां मनाया, कहां पर स्थित है, कहां स्थित है ये बताना है। स्थित कहां पे है, सिचुएटेड, इस सिचुएटेड देख लेना। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। जल्दी जल्दी से नैना देवी मेला आपका कहां पर लगता है। नैना देवी मेला आपका एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन। हिमाचल, अच्छा मतलब एचटेट बोल दिया तो तुरंत से आंसर हिमाचल प्रदेश, भाई बहुत बढ़िया। नैना देवी मेला आपका हिमाचल प्रदेश में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, 32 के बाद में 33 ही तो आएगा, है ना। कौन से क्वेश्चन पे 33 लाइव, ये 50 करने हैं भाई। सभी लोग 7 बजे डेली, सभी लोग मैक्सिमम शेयर के साथ में प्रेजेंट रहा करो 7 बजे करेक्ट टाइम पर। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन। अच्छा अच्छा अच्छा, हरियाणा हो जाएगा वो, हिमाचल, ठीक है ठीक है। अरे वो एचपी टेट वाला भी आता है ना। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर ब्राजील। दक्षिण का ब्रिटेन मतलब एक तो ब्रिटेन, ऊपर से दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहेंगे भाई। देखो मतलब क्वेश्चन कैसा भी लेकर के आओ, आंसर बताने वालों की कमी नहीं है। वंदना का आंसर सबसे बढ़िया, वंदना का आंसर न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन बताओ, शोक, पूरे जीवन में जो शोक ही शोक है, असम का शोक किस नदी को कहते हैं, असम का शोक किस नदी को कहते हैं भाई। जल्दी जल्दी से लाइक करना है, लाइक करना है कि नहीं करना है, सभी लाइक को, सेशन को लाइक करना है। 100 से मैक्स ज्यादा लाइक होने चाहिए और सभी सेशन को शेयर किया करो। 100+ जो है लाइव भी होने चाहिए, पहले तो 50+ करो। असम का शोक किस नदी को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, कोसी या फिर माही नदी। असम का शोक, असम की बात चल रही है, बात चल रही है असम की, आंसर होगा मणिकर्णिका का और भारती का आंसर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है वो भी बताओ। असम में बिल्कुल सही भाई, बिहार, कोसी बिहार का शोक, दामोदर बंगाल का, बंगाल का शोक, और उड़ीसा महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र, और बिहांग दिबांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में दिबांग कहते हैं। बहुत बढ़िया, ए वाले आंसर जिनको जो भी भाई, देखो डेली क्लास करोगे तभी फायदा मिलेगा आपको। नहीं लाइव देख पाते हो तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, लेकिन क्लासेस सभी देखनी है तभी चीजें क्लियर होंगी। बहुत बढ़िया। पिथौरा पारंपरिक कला, पिथौरा हमारी किस राज्य से संबंधित है, पिथौरा किस राज्य से, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। पिथौरा पारंपरिक कला किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में प्रसिद्ध है, एक बार से बताओ। पिथौरा मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, फटाफट से बताने। पिथौरा आपका मध्य प्रदेश में, ए वाला आंसर बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पिथौरा, राज पिथौरा, राय पिथौरा, सब कहां पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारती का आंसर बिल्कुल सही है। करना क्या है, सेशन को लाइक करने को बोला था भाई, लाइक कर दो एक बार से, है ना।
सेशन को क्या करना है, लाइक करना और शेयर करना है। अभी बहुत सारा टाइम है अपने पास। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। योजना आयोग की जगह पे कौन आ गई है, नीति आयोग आ गई है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। जल्दी जल्दी से पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग की बात की जा रही है। कर दिया लाइक भाई, प्रिया ने तो कर दिया लाइक भाई, बहुत बढ़िया। सभी का धन्यवाद जितने लोगों ने भी लाइक किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष। और अगर सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत है नीति आयोग के, नीति आयोग के। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन आंसर आते हैं। क्लास में कुछ भी हो, कितने भी कम लोग हो, कोई मैटर नहीं करता है, आंसर सबके बेहतरीन आते हैं। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या फिर पंजाब। क्या होगा करेक्ट आंसर, सही वाला आंसर क्या होगा, रेशम उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा कौन सा राज्य रेशम उत्पादन करता है। लेजी बॉय तो सी बता रहे हैं, वंदना ने भी सी बता दिया है, रेशम सबसे ज्यादा लेकिन कर्नाटक में उत्पन्न होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे पहले स्थान पर है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है, पता होना चाहिए। सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल अम्ल के रूप में जाना जाता है, कार्बोलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, फिनोल, ऑक्सैलिक एसिड, एथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड। कार्बोलिक अम्ल के रूप में कौन जाना जाता है, मणिकर्णिका ने तो फिनोल बता दिया है, बिल्कुल सही। ये भी आपका बोलोगे तो साइंस का क्वेश्चन लग रहा है, पर आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पोर्शन साइंस का भी हमारे ईवीएस में ही कवर होता है। तो ये कार्बोलिक अम्ल के नाम से फिनोल जानी जाती है, फिनोल जानते हो ना, घर में इस्तेमाल की जाती है। बहुत बढ़िया प्रिया का आंसर, अपना टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये तो भाई सीडीपी का क्वेश्चन आ गया। सीडीपी का क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, फ्रॉयड, यूंग, मन या फिर ऑलपोर्ट। जल्दी जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ। फिनोल का फॉर्मूला, अच्छा फिनोल का फॉर्मूला C6H60, फिनोल का फॉर्मूला, अच्छा ये नहीं बताया, C6H60, ठीक है, फिनोल, IUPAC नाम इसका यही होता है, फिनोल ही होता है, ठीक है। बाकी तो पता ही है कि फिनोल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं। यूंग है ये कौन हो जाएंगे, ये तो यूंग हो जाएंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी कौन है, किस प्रकार से यूंग कहे जाते हैं। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी वाले बिल्कुल सही है। बाकी फ्रॉयड को तो पता ही है, मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कहे जाते हैं, मनोविश्लेषणवाद के कौन कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, यही C6H60, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। बाकी ऑलपोर्ट भी हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 करने से पहले सेशन को करना होता है लाइक, लेकिन जैसे अभी हो 45, डेली 7 को, शाम को 7 बजे आपको प्रेजेंट होता होना होता है क्लास में, शाम को 7 बजे डेली आप प्रेजेंट रहा करिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी। क्वेश्चन कैसे खत्म होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटे कैसे बीतेगा बिल्कुल नहीं पता चलेगा। निर्देशात्मक विकास शब्द क्या सूचित करता है, इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, एक दर होती है, एक सीमा है, एक दिशा है या फिर एक विशिष्ट गुण है। ट्रेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ऑलपोर्ट के द्वारा, बिल्कुल सही। सेशन को फटाफट से लाइक कर दो भाई, मतलब कितनी बार बोलना पड़ेगा, सेशन को लाइक कर दो, आते ही लाइक कर दिया करो ताकि मैं बोलना ही ना पड़ा करे। निर्देशात्मक विकास शब्द इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को, विशिष्ट गुण को दिशा निर्देशित करता है। चलो भाई टाइम तो हो गया है, करना क्या है, क्वेश्चन आगे और भी थे पर अभी कल करेंगे, है ना, क्वेश्चन कल करेंगे। करना क्या है आप सभी लोगों को, एक बार से ईमानदारी से जितने लोग भी हो क्लास को फटाफट से शेयर कर दो, शेयर कर दो ताकि जितने लोग भी क्लास नहीं अटेंड कर पाए वो कर ले।
सेशन को करना क्या है, लाइक करना है। और अगर जो अभी जुड़ रही हो ना, अभी जुड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको 7 बजे की क्लास में 7 PM पर डेली आपको यहाँ पर प्रश्नों का महाकुंभ मिलता है, ठीक है, प्रश्नों का महाकुंभ मिलता है, जिसमें आपको नए नए प्रश्न, ठीक है, नए नए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेशन को फटाफट से लाइक करना है, ठीक है। फीडबैक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम अपनी क्लास को और भी बेहतरीन बना सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। जरूर से बताएं क्लास कैसी लगी। आज के थे 40 क्वेश्चन, इसके अलावा जो बाद में देखते हैं या फिर अभी बताएं 40 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, 40 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए ये बताइए, आप सभी लोग बताइए। बाकी ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि 100+ लाइव होने चाहिए, वो अलग ही बात होती है क्वेश्चन की। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाकी सभी लोग एक बार से सेशन को फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, ताकि ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्पेशल में मिलेंगे, बाकी यूट्यूब पर कल आपको शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल अनुभव, डेली क्लास लेना शाम को 7 बजे, रिमाइंडर लगा लो, नोट कर लो, कहीं पर भी शेड्यूल नोट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक।